कांग्रेस समर्थित यूपीए सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़कर आमजन को सड़कों पर लाने का काम बड़ी तेज गति से किया जा रहा है, जिससे देश का हर आम आदमी गुस्से में है। हर महीने में पेट्रोल पदार्थों के दाम मनचाहे तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। पहले विपक्ष सहित महंगाई के बोझ तले दब रही जनता पुतले चलाकर विरोध प्रदर्शन कर लेती थी, लेकिन अब जनता रोती रहे चिल्लाती रहे, लेकिन सरकार के कान पर जूं रेंगने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल पदार्थों को जून 2010 में ही नियंत्रण मुक्त कर दिया था। तब से 25 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। रविवार रात 12 बजे से करोड़ों उपभोक्ताओं की जेब से 1.55 रुपये और निकालने का काम पेट्रोल कंपनियों ने कर दिया है। इसी के साथ अजमेर में पेट्रोल की कीमत 76 रुपये को पार कर गई। आम गृहिणी से लेकर दुपहिया और चौपहिया वाहन चलाने वाले लोगों में इस सरकार के विरुद्ध जो गुस्सा है उसे बताने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि पेट्रोल पदार्थों के दाम बढ़ते ही आम उपभोक्ता वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाएंगे। पिसेगा तो फिर आम आदमी। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिस तरह से अभी पेट्रोल पे 1.5 रुपये दाम बढ़ा है, उस तरह से हम गरीबों का क्या होगा। पेट्रोल जब देखो, जब पेट्रोल 1 लीटर ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, इस तरह से सरकार बढ़ाती रहेगी तो हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। गैस, पेट्रोल, ये सब तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोज की रिक्वायरमेंट है, तो पेट्रोल के भी दाम इसी तरह से अगर सरकार बढ़ाती रही तो हम गरीबों का क्या होगा।